हेलो एवरीवन हमने साउंड चैप्टर का थ्योरी पार्ट तो कब का कंप्लीट कर लिया था एग्जांपल्स भी हो गए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट कर लिए तो अब तो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस है जो कि आपके चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को सो so, देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेन अ साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड ईको इज प्रोड्यूस्ड जब कोई साउंड जो है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो जाता है मतलब अगर सपोज मैं अगर बोल रही हूँ आसपास की अगर दीवारों से क्या होगा साउंड अगर रिफ्लेक्ट हो गया बाई चांस तो क्या होगा इको हो जाएगा लेकिन होता नहीं है यहाँ पर हम एक क्लिफ की बात करते हैं हम क्लिफ के पास गए या कहीं पे हिल्स वगैरह पे जाते हो तो वहाँ गए जैसे ही आपने क्लैप की या कुछ आपने बोला तो क्या होगा साउंड इको हो जाएगा वहाँ का बिल्कुल सही है नाउ लेट द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द सोर्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम डू यू हियर इको साउंड ऑन अ हॉटर डे गर्मी के दिनों में क्या तब भी आप इको आपको सुनाई देगा जब सबको सिमिलर है मतलब कि uh, वही सेम क्लिफ है वही आप है उतनी ही डिस्टेंस है वही डिस्टेंस पर आपने एक दिन गए वहाँ जाके आप चिल्लाए हेलो तो आपको क्या सुनाई दिया हेलो 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 लेकिन अगर आप गर्मी के दिन पर गए सपोज उस दिन बहुत गर्मी थी तब अगर आप जाते हो तब क्या होगा नेक्स्ट डे बहुत गर्मी थी उस दिन अगर आप जाते हो तब क्या होगा क्या तब भी आपको ईको सुनाई देगा तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि हमारे कानों तक जो साउंड होता है वो कितने टाइम तक रहता है वो अप्रॉक्स रहता है जीरो पॉइंट वन सेकेंड तक जीरो पॉइंट वन सेकेंड तक हमारे साउंड जो कानों में साउंड रहता है उसके बाद वो गायब हो जाता है अगर उससे पहले हमें कोई साउंड सुनाई देगा बाई चांस हमें उससे पहले ही कोई साउंड सुनाई देगा और तो हमें वो समझ नहीं आएगा क्यों हमारे कान में अभी एक ऑलरेडी एक साउंड है जिसको कि हम सुन रहे हैं तो जो ज़ीरो पॉइंट वन सेकेंड से अगर से पहले ही कोई साउंड अगर आ गया तो वो हमें नहीं सुनाई देगा इको हमें कब सुनाई देता है जब जीरो पॉइंट वन सेकेंड के बाद में वो साउंड आता है पहला साउंड आया फिर जीरो पॉइंट वन सेकेंड के बाद दूसरा साउंड आता है फिर जीरो पॉइंट वन सेकेंड के बाद तीसरा साउंड हमें सुनाई देता है उसके बाद वो रिफ्लेक्शन हमें सुनाई देते हैं इसीलिए हमें इको सुनाई देता है लेकिन अगर जीरो पॉइंट वन सेकेंड से पहले ही कोई साउंड आ जाएगा तो उसका इको हमें नहीं सुनाई देगा वो इको हमें सुनाई ही नहीं देगा अब हॉटर डे वाले दिन क्या होता है तो हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होता है स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है अगर टेम्परेचर हो गया ज़्यादा मतलब साउंड की स्पीड भी क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी अगर टेम्परेचर कम हुआ तो साउंड की स्पीड भी क्या होगी कम हो जाएगी तो यहाँ पर हॉटर डे का मतलब होगा कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ चुका है टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो गया मतलब स्पीड भी क्या होगी साउंड की इंक्रीज़ हो जाएगी इसका मतलब हो सकता है कि ज़ीरो पॉइंट वन सेकेंड से पहले ही कोई साउंड हमारे पास आ जाए पॉसिबिलिटीज़ है बिल्कुल है जीरो पॉइंट वन सेकेंड से पहले ही अगर हमारे पास कोई साउंड आ जाएगा तो हमें उसका इको नहीं सुनाई देगा और अगर हॉटर डे वाले दिन भी ज़ीरो पॉइंट वन सेकेंड के बाद में वो साउंड आता है तो वो हमें सुनाई दे जाएगा बट मोस्टली हॉटर डे मतलब गर्मी अगर ज़्यादा है तो हो सकता है कि उस दिन आपको इको कम ही सुनाई दे क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी साउंड की और जितनी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी तो जीरो पॉइंट वन सेकेंड से पहले ही हो सकता है कि आपके पास साउंड आ जाए ट इज वाई गर्मी वाले दिन पर ईको से होगा या नहीं होगा या श्योर नहीं होता मोस्टली नहीं होगा ईको क्यों नहीं होगा बिकॉज जीरो पॉइंट वन सेकेंड से पहले ही आपके पास वह साउंड आ जाएगा इसीलिए ईको वहाँ पर नहीं होगा चलिए सो so, यह आपका आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव साउंड के रिफ्लेक्शन के कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देना है क्यों साउंड वेव का रिफ्लेक्शन होता है ये तो हमको पता है लेकिन वो रिफ्लेक्शन क्यों होता है कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये हमें डिस्कस करना था तो ये हमने किया भी था जब हमने ईको पढ़ा था जब हमने रिवर्ब्रेशन पढ़ा था तो हमने ये भी कहा था कि वहाँ पर क्या होता है बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन्स है उसके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ईको या रिवर्ब्रेशन की वजह से यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से पॉसिबल हो पाती है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से ही देखो क्या पॉसिबल हो पाया हमारा स्टेथोस्कोप द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन द मेडिकल साइंस जो है स्टेथोस्कोप जिसकी वजह से हार्ट बीट सुनाई देती है जो हार्ट बीट सुनाई देती है ना हमें वो किसकी वजह से सुनाई देती है इस स्टेथोस्कोप की वजह से सुनाई देती है जो डॉक्टर हार्ट बीट सुनता है अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमें हार्ट बीट सुनाई दे रही है अभी अगर हम यहाँ बैठे हमें हार्ट बीट सुनाई दे रही है नहीं दे रही किसी के यहाँ पे अपना कान लगा के देख लो नहीं सुनाई देगा होगा क्या हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए था जिसकी वजह से हमें वो हमारी जो हार्ट बीट है वो सुनाई दे तो हमने क्या बनाया स्टेथोस्कोप बनाया क्या समझ के बनाया तो यहाँ पर हमें पता था कि भाई एक रिफ्लेक्शन होता है साउंड की वेव्स का तो हमने क्या सोचा कि अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे साउंड वेव के तो हमें वो चीज़ें सुनाई दे पाएगी आराम से दे पाएगी तो यहाँ पर हमने क्या किया इसको जब लगाया जाता है इसको जब हार्ट पे लगाया जाता है तो इसके ऊपर एक पर्दा टाइप कुछ होता है जो वाइब्रेट करता है जैसे ही उसको हार्ट बीट सुनाई देगी वाइब्रेट करेगा वाइब्रेट करने से क्या होगा इसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शनस होंगे और मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद में आपको साउंड सुनाई देता है फाइन तो हार्ट बीट को सुनने के लिए भी किसका यूज किया जाता है स्टेटोस्कोप जो कि किसके ऊपर बेस्ड है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे बेस्ड है यहाँ आ जाओ सोनार का यूज करते हैं हम रिफ्लेक्शन की वजह से ही तो सोनार पॉसिबल हुआ है अगर साउंड का रिफ्लेक्शन वाला नेचर होता ही नहीं साउंड वेव्स का रिफ्लेक्शन वाला नेचर ही नहीं होता तो क्या ये सोनार बन पाता बिल्कुल नहीं और अगर सोनार नहीं बन पाता तो समुद्र के नीचे जो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या वो हमें मिल पाता नहीं मिल पाता सब वाइन्स डूब जाए चाहे कुछ भी डूब जाए हमें वो मिल ही नहीं पाता बट सोनार की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है कि हम सी बेड की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं अंदर छुपे किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं आइसबर्ग्स को हिल्स को ढूंढ सकते हैं जो कि समुद्र के अंदर छुपे हुए हैं हिडन आइसबर्ग्स ईजिली इसे ढूंढे जा सकते हैं स्टेज जो कॉन्फ्रेंस हॉल होता है जहाँ कॉन्सर्ट हॉल्स होते हैं कॉन्सर्ट हॉल्स के अंदर भी क्या होता है रिफ्लेक्शंस uh, की वजह से ही हमें चीज़ें जो है वो बहुत ईजिली सुनाई देती है बहुत ज़्यादा मज़ा आता है पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने में क्यों बिकॉज ऑफ़ मल्टीपल रिफ्लैक्शंस रिवाइब्रेशन उसी की वजह से हमें ज़्यादा मज़ा आता है पिक्चर को मूवी को मूवी हॉल में देखने में घर पे देखने में इतना मज़ा नहीं आता यहाँ आ जाओ जो मेगाफोन्स होते हैं उन मेगाफोन्स पे या जो स्पीकर्स होते हैं हॉर्न्स होते हैं उन हॉर्न्स के ऊपर अंदर भी क्या होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का, का काम होता है और उन मल्टीपल रिफ़्लैक्शन की वजह से ही जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़ोर से आती है तो हमारी आवाज़ को बढ़ाने के लिए ज़ोर से बताने के लिए हम क्या करते हैं मेगाफोन्स का यूज़ करते हैं या हम हॉर्न का यूज़ करते हैं इसको इस तरह से फॉर्म किया जाता है कि जो हमारी साउंड वेव्स निकलेगी वो साउंड वेव्स क्या करें थोड़ा सा मल्टीपल रिफ्लेक्शन के साथ में बाहर आए और जब ये साउंड वेव्स मल्टीपल रिफ्लेक्शन के साथ में बाहर आएगी तो ऑटोमेटिकली हमें जो है वो ज़्यादा अच्छे से सुनाई देगी फाइन तो ये हमारे रिफ्लेक्शन के कुछ एप्लीकेशन होते हैं जिनको कि हम लिख सकते हैं हमारी लैंग्वेज में ये हमने दो मेन एप्लीकेशन लिखे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें दो ही पूछा गया लेकिन हाँ आपको याद सारा रखना है देखो ये सारे याद रखने हैं आपको अच्छा वन मोर थिंग ये तो एप्लीकेशन हुआ है हमारे लिए बट क्या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पहले भी यूज़फुल था इन सब को पहचानने से पहले इन सब को डिस्कवर करने से पहले भी यूज़फुल था कहीं ना कहीं पे बिल्कुल था हमारे लिए ना सही जानवरों के लिए तो था बिल्कुल सही है बैट के बारे में तो हमने सुना ही है कि बैट क्या करती है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को सेंड करती है मतलब एमिट करती है ट्रांसमिट करती है और वो रिफ्लेक्ट बैक होकर जब वापस आती है तो उसको पता चल जाता है कि आगे कोई ऑब्स्टेकल है या फिर कोई जानवर है जिसको हम खा सकते हैं कोई प्रे है हमारा फाइन तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट था हमने सिर्फ उसको डिस्कवर करके कुछ नए ऑब्जेक्ट्स हमारे लिए बनाए हैं ताकि हमारी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर फाइव मीटर हाई एक टावर है जो कि कितना ऊपर है 500 मीटर है तो यहाँ पर हम एक टावर बना देते हैं कि ये क्या है हमारा एक टावर है ये है टावर जो कितना ऊंचा है 500 मीटर ऊंचाई पे है वहां से एक पत्थर को गिराया गया है इंटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ द टावर कहाँ गिराया गया उस पत्थर को पॉन्ड के पानी में गिराया गया तो यहाँ टावर के बेस पे देखो क्या है पॉन्ड का पानी है उस पानी के अंदर इस पत्थर को क्या किया गिराया गया है वैन इज़ द स्प्लैश हर्ड एट द टॉप जो स्प्लैश होगा मतलब जो आवाज़ आएगी पानी के अंदर उस पत्थर के गिरते ही वो आवाज़ ऊपर तक टॉप तक मतलब कि यहां तक कब पहुंचेगी कितने टाइम में पहुंचेगी ये आपको बताना है नाउ गिवन क्या है देखो जी हमें लेना है टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्पीड ऑफ साउंड कितना लेना है थ्री हंड्रेड फोर्टी मीटर पर सेकेंड अब हमें क्या बताना है इसका साउंड जो है वो हमें ऊपर तक कब सुनाई देगा कितने टाइम में सुनाई देगा तो हमें टाइम बताना है ठीक है ये टाइम हमको बताना है हमें गिवन क्या क्या है ये भी चेक कर लेते हैं देखो हम एक नया पेज ले लेते हैं बिकॉज़ हमारे यहाँ पर स्पेस नहीं है देखो हुआ क्या हमारे पास था एक टावर ये हमारा टावर है इस टावर के ऊपर से हमने एक पत्थर को नीचे गिराया तो इस पत्थर को जब नीचे गिराया तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की फाइव हंड्रेड मीटर की इस डिस्टेंस ट्रेवल की यहाँ पर इसके क्या है वाटर है मतलब पौन था उस पानी के अंदर ये पत्थर गिर गया तब उसकी आवाज़ जो है ऊपर तक आने में कितना टाइम उसने लगाया है ये हमको बताना है सो so, गिवन क्या क्या है हमें गिवन है हाइट ऑफ टावर हाइट ऑफ टावर दैट इज 500 मीटर और क्या गिवन है जी हमें गिवन था कि हमें कितना लेना है उसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है और हमें गिवन था स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है चलिए स्पीड ऑफ साउंड देखो कितना है 340 मीटर पर सेकेंड 340 मीटर पर सेकेंड अब साउंड कब आएगा ऊपर तक पहुंचने में पहले साउंड प्रोड्यूस तो साउंड प्रोड्यूस कब होगा जब वो पत्थर इस पानी से टकराएगा तब साउंड प्रोड्यूस होगा और साउंड को ऊपर आने में कितना टाइम लगेगा ये तो हम देखेंगे बाद में उससे पहले पत्थर जब टॉप से बॉटम तक आया क्या तब तक कोई साउंड था नहीं था तो वो टाइम भी तो देखना होगा वो टाइम हम कैसे पता करेंगे तो देखो पत्थर जो था वो यहां से यहां यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया उस पत्थर का देखो अगर मैं इसको हॉल जेंटर लूँ तो ये यह पत्थर यहाँ से यहाँ आया तब तक क्या हुआ इसका कोई डिस्प्लेसमेंट हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया इसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई इसको टाइम लगा होगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी तो कोई ना कोई इसका एक्सेलरेशन होगा हमें क्या चाहिए वो टाइम चाहिए जब टाइम चाहिए तो न्यूटन के लॉज ऑफ़ मोशन पे आ जाओ फिर से न्यूटन के जो लॉज ऑफ़ मोशन थे उन पे आ जाओ और लॉज ऑफ मोशन से पहले हमारे पास कुछ इक्वेशन थी मोशन की वहाँ पे चले जाए भाई हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़े थे उन प्रीवियस चैप्टर में अगर हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो हमें पहले क्या मिला न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन मिले बट हमें जाना है उससे भी पीछे जहाँ हमारे पास क्या थी इक्वेशन ऑफ मोशन थी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना है हमें क्या फ़ाइंड आउट करना है टाइम फाइंड आउट करना है क्यों डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है हमें 500 मीटर गिवन है डिस्प्लेसमेंट एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना गिवन है ये है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जीरो मीटर पर सेकेंड ऑब्जेक्ट कैसा है फ्री फॉल में और जब फ्री फॉल में होता है तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन में फ्री फॉल के लिए भी इक्वेशन होती है एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है टी तो अब इन चारों के बीच का रिलेशन कहीं पे मिला आपको बिल्कुल मिला होगा एक इक्वेशन है s ut 1/2 at2 ये होती है इक्वेशन ऑफ मोशन लेकिन अगर हम बात करें किसकी फ्री फॉल की तो यहां पर इस s की जगह क्या होगा हाइट हो जाएगी तो यहां पर ले लो h ut 1/2 a की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं g को और gt2 और अगर u भी हमारा जीरो है सपोज हमारा u भी क्या है जीरो है तो हम क्या लेंगे हाइट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2

टी वन किसके लिए जब स्टोन जो है वो टावर के टॉप से बॉटम तक आया है फाइन तो क्या फाइंड आउट करना है पहले देखो टाइम टेकन बाई दू फॉल टू टावर बेस टावर बेस तक आने में उसको कितना टी वन टी वन को हम किससे फाइंड आउट करेंगे टी वन फाइंड आउट करना है हमें ओ, ये हट गया कोई बात नहीं वापस ले आ जाता है चलिए टी वन है टी वन को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे हम हम अप्लाई करेंगे एच इज इक्वल टू हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं हम फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है और हमें पता है कि यही फार्मूला होना चाहिए था ना एच कितना है फाइव हंड्रेड मीटर है फाइव हंड्रेड मीटर इज इक्वल टू हाफ जी का मतलब देखो कितना टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टेन मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर टी स्क्वायर हमें नहीं पता अब जस्ट टू से हम क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं टू से हम टेन को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फाइव मिल जाएगा 5. अब आ जाते हैं हैं से हम इसको डिवाइड कर देते क्योंकि ट्रांसपोज हो जाएगा ट्रांसपोज होते ही डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू हो गया टी स्क् वन हंड्रेड वन हंड्रेड इज इक्वल टू क्या टी आया तो फिर टाइम कितना हो जाएगा जब तो स्क्वायर को हम इस तरफ लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए यहाँ हो जाना चाहिए रूट वन हंड्रेड तो इसका मतलब टी कितना आ जाएगा टेन सेकेंड्स तो हमें टी वन कितना मिला टी वन टी वन टी वन लेना है यहाँ पर टी वन टी वन चलो टी वन हमें कितना मिला टी वन हमें मिला टेन सेकेंड्स टी वन हमारा कितना है टेन सेकेंड से अब हमें फाइंड आउट करना है टी टू टी टू कौन सा होगा तो ये जो आवाज है साउंड जो है साउंड ऊपर जाने में कितना टाइम लगाएगा तो साउंड को ऊपर जाने में देखो कितना टाइम लगेगा हमें गिवन क्या क्या है साउंड की स्पीड हमें गिवन है साउंड की स्पीड हमें गिवन है साउंड ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस है तो ट्रैवल की है यानी 500 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की है वो भी हमें गिवन है क्या पूछा है ओनली टाइम तो हमें पता है स्पीड का एक फॉर्मूला होता है दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम तो ये कौन सा टाइम है ये है हमारा टाइम टी टू टी टू का मतलब साउंड को टावर के बेस से टावर के टॉप तक तो जाने में कितना टाइम लगा है बस वो हमें बताना है नाउ स्पीड का मतलब क्या हो गया 340 मीटर पर सेकेंड 340 मीटर पर सेकेंड इज इक्वेस्ट डिस्टेंस देखो कितना है 500 मीटर अपॉन टाइम की जगह हम लिख देते हैं टी टू अब मुझे टी टू को कैलकुलेट करना है तो थ्री हंड्रेड फोर्टी को मैं नीचे ले आती हूँ टी टू इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड अपॉन थ्री हंड्रेड फोर्टी ज़ीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया क्या बचा यहाँ पर बचा है टी टू इज इक्वल टू हो जाएगा फिफ्टी अपॉन थर्टी फोर फिफ्टी अपॉन थर्टी फोर इसको डिवाइड कर दें हम डिवाइड करने से हमें मिलेगा टी टू इज इक्वल टू यह हमें मिलेगा वन पॉइंट फोर सेवन सेकेंड्स ये क्या मिला हमें वन पॉइंट फोर सेवन सेकेंड मिला ना अब हमारे पास जो टोटल टाइम आना चाहिए था वो कितना होगा टोटल टाइम का मतलब साउंड जो है साउंड उसके स्प्लैश होने का ऊपर तक कब तक गया पहले क्या होगा टावर से वो नीचे गिरा है पत्थर तब तक की तब तक का भी तो टाइम होगा कैलकुलेट बिल्कुल होगा वो सेकंड में तो हमें आवाज सुनाई देगी नहीं जब नीचे आके जब वो पत्थर उससे टकरा जाएगा उस पानी से टकराएगा पानी के अंदर जाएगा तब जो स्प्लैश की आवाज़ होगी वो आवाज़ ऊपर तक आएगी तो ये दोनों टाइम को हमें क्या करना है ऐड करना है तो हमें टोटल टाइम कितना लगा टोटल टाइम टेकन टेकल मिल भी टी वन प्लस टी टू दैट मीन्स इट विल बी टेन प्लस वन पॉइंट फोर सेवन क्या आया टेन प्लस वन पॉइंट फोर सेवन इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इलेवन पॉइंट फोर सेवन सेकेंड्स के बाद में हमें आवाज़ सुनाई देगी हमें इलेवन पॉइंट फोर सेवन सेकेंड्स के बाद हमें आवाज़ सुनाई देगी उससे पहले आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी तो इट विल बी आर आंसर ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है देखो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था सिर्फ ये समझने वाली बात सिर्फ ये है कि अगर कोई पत्थर को हमने पानी में ऊपर से फेंका है तो डायरेक्ट उसका साउंड हमें नहीं सुनाई देगा पहले वो पत्थर नीचे जाएगा वो टाइम हमारा कैलकुलेट होगा उसके बाद जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है फिर वो हमारे पास में आएगा चलिए सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा नाउ

कितना है वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर मीटर में हमें इसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा क्यों क्योंकि हमेशा जो ऐसा यूनिट होती है लेंथ की वो मीटर होती है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे वन हंड्रेड से वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई वन हंड्रेड तो हमारा लैमडा कितना आ जाएगा यह आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव मीटर ये हुई हमारी वेव लेंथ वॉट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव वेव की फ्रिक्वेंसी क्या है एंड विल इट बी ऑडिबल क्या वो ऑडिबल होगा वेव की फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है मतलब हमें बताना न्यू एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है v इज इक्वल्स टू लेमडा न्यू कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है फॉर्मूला हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू लेमडा न्यू v इज इक्वल्स टू लेमडा न्यू मतलब कि स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी और हमें क्या फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और अगर फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट अगर करना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा जस्ट हम वेव को ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये हो जाएगा वो स्पीड अपॉन लेमडा इस फॉर्मूले से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी फ्रिक्वेंसी की चलिए इस फॉर्मूले में आप क्या करें वैल्यू पुट कर दे तो न्यू इज इक्वल टू हो गया वी अपॉन लेमडा देखो स्पीड कितनी है थ्री हंड्रेड थर्टी नाइन अपॉन यहाँ देख लो लेमडा कितना है हमारा जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव तो यह आ गया जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव मीटर नाउ न्यू कितना हो जाएगा न्यू हो जाएगा जब इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करते हैं हमें मिलेगा ट्वेंटी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड हर्ट्स तो ये क्या हो गई फ्रिक्वेंसी हो गई अब ये फ्रिक्वेंसी क्या ऑडिबल है तो हमें हमारी रेंज ऑफ हियरिंग पता है कि हम कहाँ से कहाँ तक का साउंड जो है वो सुन पाते हैं कहाँ तक का सुन पाते हैं हम तो हमें पता है कि हमारा जो साउंड रेंज होती है हमारी वो होती है ट्वेंटी हर्ट्स टू ट्वेंटी हर्ट्स टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स क्या ये साउंड इस रेंज में आ रहा है क्या ये फ्रिक्वेंसी इस रेंज में है बिल्कुल नहीं है ये फ्रिक्वेंसी तो ट्वेंटी हर्ट ट्वेंटी किलो हर्ट से भी ज्यादा है ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट से ज्यादा है इसका मतलब ये कौन सा साउंड होगा ये साउंड है अल्ट्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड को हम नहीं सुन सकते इसका मतलब ये साउंड हमारे लिए ऑडिबल बिल्कुल भी नहीं है ये साउंड हमारे लिए इनऑडिबल है ये कभी भी हमारे लिए ऑडिबल नहीं हो सकता बिकॉज ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स के अंदर की फ्रिक्वेंसी को हम सुन सकते हैं उससे ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी है हम उसको नहीं सुन सकते अल्ट्रासोनिक वेव्स हो जाती है वो फाइन आई होप की क्वेश्चन आपको क्लियर होगा नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाट इज रिवर्ब्रेशन हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड रिवर्ब्रेशन क्या होता है और उसको हम कम कैसे कर सकते हैं और करना क्यों है ये भी, भी देख लेते हैं रिवर्ब्रेशन का मतलब होता है बेसिकली कि आपके जो साउंड है वो आपके कानों तक थोड़ी देर के लिए परसिस्ट होना चाहिए थोड़ी देर के लिए आपके पास वो साउंड रहना चाहिए काफ़ी देर के लिए आपके पास वो साउंड होना चाहिए कि हाँ ठीक है ये साउंड है ठीक है क्यों मूवी हॉल के अंदर जब हम मूवी देखने जाते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है क्यों आता है क्योंकि वो साउंड जो इफेक्ट होता है वो हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो वहाँ पर जो हॉल है मूवी हॉल है उसकी क्या की जाती है सीलिंग्स को राउंडेड बनाया जाता है कर्ड बनाया जाता है सीलिंग्स को ताकि वहाँ पर क्या हो रिवर्ब्रेशन हो मतलब कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो और वो रिफ्लेक्शन आपके कानों तक आए तो आपके पास एक साउंड आएगा आपके पास सपोज क्या आया पहला साउंड आया पहला साउंड आपके पास आया फिर जीरो पॉइंट वन सेकेंड के बाद में क्या आएगा दूसरा साउंड आया फिर जीरो पॉइंट वन सेकंड के अंदर अंदर क्या तीसरा साउंड आ गया उसके बाद चौथा साउंड आया तो ये साउंड जब कंटिन्यूअसली आपके सुन आप सुन रहे हो उस चीज़ को तो आपको वो साउंड ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा सा इफेक्ट है जो मूवी हॉल का इफेक्ट होता है वही हमें यहाँ पर सुनाई देता है कॉन्सर्ट हॉल्स के अंदर भी क्या होता है वो जो सीलिंग्स है वो कर्व बनाई जाती है ताकि वहां पर क्या हो रिवर्ब्रेशन हो तो रिवर्ब्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या होगा कि आपके कानों में वो जो साउंड है वो थोड़ी देर तक रहना चाहिए परसेस करना चाहिए तो मल्टीपल रिफ्लैक्शन्स होंगे मल्टीपल रिफ्लैक्शन्स की वजह से क्या होगा आपका आपको जो साउंड है वो थोड़ी थोड़ी देर में फिर सुनाई देने लग जाएगा इसका मतलब आपके माइंड से मतलब आपके कानों से वो साउंड जाएगा नहीं वो वो जहाँ है वहीं रहेगा खाली रूम्स के अंदर देखा होगा ना जब एकदम खाली रूम होता है तब क्या होता है आपको ऐसा लगता है कि आवाज़ हमारी गूंज रही है हमारी खुद की आवाज़ जो है वो गूंज रही है और अच्छा भी लगता है हमें तो वो गूंज गुंच क्यों गूंजती क्यों है आवाज़ वो इसलिए गूंजती है कि वहाँ पर होते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस और इतने रिफ्लेक्शन के बाद में आपको हर जीरो पॉइंट वन सेकेंड के बाद में आपको वो साउंड सुनाई देता है तो वहाँ पर क्या होता है रिवर्ब्रेशन होता है इसी की वजह से इसी की वजह से जो है आपके यहाँ पे जो सीलिंग्स होती है वो राउंडेड बनाई जाती है ताकि क्या हो साउंड का इफेक्ट जो है अच्छा आए यानी रिवर्ब्रेशन हो और आपको साउंड जो है वो अच्छा सुनाई दे फाइन इसीलिए मूवी हॉल के अंदर ना हमें मूवीज़ बहुत अच्छे से नज़र आती है बहुत अच्छे से मज़ा भी आता है उसके अंदर सुनने में उसको वही मज़ा हमें हमारे घर में कभी नहीं आता चलिए अब अगर मुझे इसको कम करना है तो मैं कैसे करूंगी तो इसको कम करने का बहुत सिंपल सा तरीका है दीवारों के ऊपर जो सीलिंग है उसके ऊपर वहाँ पर क्या लगा दे ओनली वुलन लगा दे या वहाँ पर कोई फाइबर लगा दे तो फाइबर और वुलन क्या करेंगे उन साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे और जब वो एब्जॉर्ब कर लेंगे तो रिवर्ट होके वो आपके पास में नहीं आएगी रिफ्लेक्ट नहीं होंगे आपके पास आके फाइन चलिए तो आई होप कि रिवर्ब्रेशन क्लियर होगा देखो द कंटिन्यूअस मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन अ बिग एंडक्लोज स्पेस इज रिवर्ब्रेशन इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय कवरिंग वॉल्स एंड सीलिंग्स और एनक्लोज स्पेस हेल्प ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटीरियल साउंड एब्सॉर्बिंग मटीरियल्स जो होते हैं उनसे कल, उनको बस क्या करना है कवर करना है वॉल्स और सीलिंग्स को ताकि क्या होगा साउंड जो वेव्स होगी वो एब्सॉर्ब कर ली जाएगी और वो आपके पास में नहीं आ पाएंगे क्या होते हैं वुलन्स हो सकते हैं या फाइबर वोर्ड्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पास वो साउंड नहीं आएगा फाइन कम टू दैक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज लाउडनेस ऑफ साउंड वॉट फैक्टर्स डज इट डिपेंड ऑन लाउडनेस क्या होती है साउंड की और ये कौन से फैक्टर्स जो है इस पर डिपेंड करते हैं वॉट फैक्टर्स डज इट डिपेंड ऑन किसके ऊपर जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है तो लाउडनेस के बारे में हमने पढ़ा था कि बेसिकली कोई भी जो साउंड है वो या तो हमें बिल्कुल सॉफ्ट नज़र आ सकता है कि हाँ बहुत धीरे बोल रहे हैं अब अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि हाँ ठीक है ये लाउडनेस है ठीक है ये लाउडनेस है इस तरह से होता है ऐसे ऐसे करते हैं ये इसके ऊपर डिपेंड होता है तो आपको क्या लगेगा कि मैम प्लीज़ थोड़ा तेज़ बोलिए क्यों बोलिए तेज़ क्योंकि हमें सुनाई नहीं दे रहा तो लाउडनर लाउडनेस का मतलब ये होता है कि जब भी कोई हाई एनर्जी वेव होती है कोई अगर एनर्जी uh, कोई वेव ऐसी है जो कि हाई एनर्जी वेव है तब क्या होगा वो साउंड हमेशा लाउडर होगा और अगर कोई लो एनर्जी वेव है तो वो साउंड हमेशा लाउडनेस uh, लाउडर नहीं होगा बिल्कुल क्वाइटियर होगा बहुत धीरे धीरे से आवाज़ आएगी हमें सो लाउड साउंड्स हैव हाई फ्रीक्वेंसी लाउडनेस डायरेक्टली डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड लाउडनेस जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे करता है एम्पलीट्यूड पे करता है भाई लाउडनेस जो होती है वो इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके एम्पलीट्यूड स्क्वायर के एम्पलीटूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है. इसका मतलब है अगर एम्पलीट्यूड को बढ़ाया जाएगा तो लाउडनेस भी बढ़ेगी एम्पलीट्यूड को अगर कम कर दिया जाएगा तो लाउडनेस भी कम हो जाएगी कैसे तो देखो जब हम बात कर रहे हैं हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स की हाई फ्रिक्वेंसी या हाई एनर्जी वेव से फ्रिक्वेंसी नहीं हाई एनर्जी वेव से ठीक है एनर्जी अगर किसी वेव को ज़्यादा मिलती है कोई ऐसी वेव है जो कि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के साथ में मूव कर रही है उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा हाई होगा तो उसका एम्पलीट्यूड भी कितना हो जाएगा हाई होगा और अगर उसका एम्पलीट्यूड भी हाई होगा इसका मतलब है कि उसकी जो लाउडनेस होगी वो भी ज़्यादा होगी लाउडनेस भी कैसी हो जाएगी हाई होगी अब अगर मैं इसी का अपोजिट कर दूँ लो एनर्जी वेव है और लो एनर्जी वेव है तो एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा और लाउडनेस भी कम हो जाएगी कैसे तो अगर किसी पार्टिकल को ज़्यादा एनर्जी दी जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से मूव करेगा ज़्यादा डिस्प्लेस होगा अपनी जगह से अगर किसी को कम एनर्जी दी जाए तो वो कम डिस्प्लेस होगा कम डिस्प्लेस होगा इसका मतलब क्या है एम्पलीट्यूड क्या हो गया कम हो गया और लाउडनेस भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अभी बहुत अगर मैं बोल रहा अभी अब मैंने इतना धीरे अगर मैं बोल रही हूँ तो क्या होगा आप बोलेंगे मैम प्लीज़ लाउडर बोले नहीं सुनाई दे रहा मैंने एनर्जी कम दी थी इसलिए उसका एम्पलीट्यूड क्या था कम था तो अब क्या होगा लाउडनेस भी कम होगी लेकिन अगर मैं एनर्जी ज़्यादा दे रही हूँ तो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा वेव का और एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस भी बढ़ जाएगी फाइन आई होप कि आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई है कि एक्जैक्टली वट आई एम सीइंग कि अगर एनर्जी ज़्यादा है तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा लाउडनेस ज़्यादा होगी एनर्जी अगर कम है एम्पलीट्यूड कम होगा लाउडनेस कम होगी इसका मतलब है लाउडनेस जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है किसी साउंड वेव की एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कौन करेगा लाउडनेस करेगी क्यों करेगी तो ये हमने देख ही लिया है जिसकी जिसकी वे जिस वेव वे का एम्पलीट्यूड होगा कम उसकी लाउडनेस भी कम होगी वो क्वाइटियर होगा अब जिसका एम्पलीट्यूड होगा ज़्यादा वो साउंड वेव हमेशा लाउडर होंगी फाइन आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया देखो बहुत ईजी से क्वेश्चन है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कोई रॉकेट साइंस नहीं है आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लास्ट कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी लास्ट एक कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन है टू फोर फाइव क्वेश्चन रहेंगे जो कि हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए आप इनको अच्छे से पढ़िए Thank you so much.